बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। सो इससे पहले हमने एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने हाइड्रा, उसके बाद प्लेनेरिया, अर्थवर्म और काकरोच की बात की थी। आज से हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। सो जो जो हम मैंने हाइड्रा से स्टार्ट हुए थे, तो शुरू में तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था। फिर प्लेन एरिया के अंदर हमने फ्लेम सेल देखा, ठीक है, जिसे हमने प्रोटोनेफ्रीडियम का, फिर आगे अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडियम आया और काकरोच के अंदर मार्सिजियम ट्यूब्यूल्स। सो ऐसा ऐसा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ये अडॉप्टेशन के जरिए, ठीक है, यानी कह लें कि एवोल्यूशन के जरिए ऐसा प्रोग्रेस में आ रहा था। सही। सो जो कह लें कि वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में भी दो किस्में कह लें, एक थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप के अंदर वही कह लें कि जिस तरह मेटानेफ्रीडियम था ना, कि पूरी बॉडी के अंदर ट्यूब्यूल्स फैले हुए थे हर सेक्शन के अंदर, ठीक। सो मेटानेफ्रीडियम की तरह ही सारा कह लें कि वो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेकिन जो एडवांस किस्म के वर्टिब्रेट्स हैं, लाइक मैमल्स हैं, उसके अंदर पूरा सिस्टम है, ठीक है। उनके अंदर यूरिनरी सिस्टम आ जाए, पूरा यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसके अंदर किडनी आ जाएगी, किडनी, ठीक है, यूरेटर आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह यूरिथ्रा एंड सो ऑन। सो हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या क्या यूरिनरी सिस्टम में आता है। सो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि वर्टिब्रेट्स में जो प्रिमिटिव टाइप है, वो जो उनसे हैं, उनके अंदर मेटानेफ्रीडियम, यानी वो भी पुराना इनका वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जबकि जो एडवांस किस्म के हैं, उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एवोल्यूशनाइज हो गया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन से, कि वो ऐसा ऐसा अडाप्टेशन के जरिए एडवांस होता गया और उसमें यूरिनरी सिस्टम वाजिया डेवलप हो गया, सही। अच्छा, अब मेरे पास प्रिमिटिव किस्म की एक एग्जाम्पल भी हैग फिशेज जो सी होती हैं, मसलन हैग फिशेज के अंदर वही सेगमेंटेशन होती है, और इसके अंदर मेटानेफ्रीडियम टाइप, मेटानेफ्रीडियम जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, अर्थवर्म के अंदर, ठीक है, नहीं मेटानेफ्रीडियम की तरह ही इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़े से एडवांस किस्म के जो कह लें कि वर्टिब्रेट्स हैं, उनके बारे में बात करनी है। सो जो एडवांस किस्म के वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें बहुत से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक, इसमें यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मतलब जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें बाज़ दफ़ा बाज़ कह लें कि बुक्स या बाज़ लोग या बाज़ साइंटिस्ट जो हैं, वो स्किन को भी इन्वॉल्व करते हैं, सही। मतलब वो कहते हैं जो स्किन जो सा है, ये स्वेट प्रोड्यूस करती है, पसीना जिसे कहा जाता है, सही। इसके अलावा इसमें साल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट्स, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा साल्ट्स वो भी रिलीज आउट होते हैं, ठीक है, यानी सीबम की शक्ल में इसकी एक्सक्रीशंस होते हैं ना, इसे हम एक सीबम भी कहते हैं, सही। लेकिन फिर बाद में बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जो बेसिकली ये स्वेट रिलीज करता है, ये वो गर्मी की वजह से, यानी कह लें कि ठंडक फील करने के लिए, ठीक है, यानी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो यानी ये थर्मोरेगुलेशन के लिए से इस्तेमाल करते हैं, ये थर्मोरेगुलेशन में डाल देते हैं, ठीक है। सीबम जोन से है और सार्स जोन से है, ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल से मराद यानी ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, सही। सो यानी अब स्किन जोन से है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर बार दफ़ा नहीं भी डाला जाता, क्यों, क्योंकि वो अगर स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, थर्मोरेगुलेशन से उसका लिंक है, सही। अगर वो सीबम प्रोड्यूस कर रहा है साल्ट के साथ, तो वो बैक्टीरियोसाइडल है, यानी वो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, यानी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के अंदर ये रोल प्ले कर रहा है। सो बाज का या बाज दफा स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में नहीं डाला जाता। सो ये पहला हिस्सा था स्किन का, ठीक है, जिसे जिसके ऊपर कभी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में शामिल किया जाता है, बाज दफा नहीं भी किया जाता। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसमें एक तो लिवर हो जाएगा, जिगर जिसे कहते हैं, सही, सेकेंड पार्ट, और जो थर्ड वन होगा वो जाहिर बात है पूरा यूरिनरी सिस्टम होगा, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक तो किडनी आ जाएगा हमारे पास, आगे हम बात करेंगे, किडनी के बाद यूरेटर,
सही। और यूरेटर जोन्स के बाद यूरिथ्रा एंड उसे एक्सपेल कर दिया जाए। और किडनी जो बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। सो हमारा यहाँ पे जो टारगेट होगा मेन नेफ्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबुलर सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो कह लें कि एवोल्यूशन के जरिए ये नेफ्रॉन में डेवलप हुआ है, ठीक है, यानी हमें नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। सही। और नेफ्रॉन जो सा है ये इटसेल्फ किडनी को बनाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी या यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मेन चीज है या मेन जो रोल प्ले करेगा वो नेफ्रॉन प्ले करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो आज हम जो है वो लिवर को डिस्कस करेंगे कि लिवर किस तरह एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर रोल प्ले करता है। सो ये नीचे डायग्राम बनी हुई है। इससे पहले हमने आपको याद होना चाहिए हमने एक यूरिया साइकिल पढ़ा था, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन लिवर, ठीक है। ये आपको सामने लिवर की डायग्राम भी नजर आ रही है। सही। सो अगर यूरिया साइकिल हम रिवाइज करें तो इसमें हमारे पास क्या था कि पहला अमोनिया का मॉलिक्यूल, ठीक है, इससे चलो डायग्राम को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं हम दे। सो ये NH3 का पहला नाइट्रोजन था, इसे मैं ब्लू कर देता हूँ, ये नाइट्रोजन। फिर इसके बाद एक और नाइट्रोजन यहाँ पे एंटर होता था, NH3 का सेकेंड मॉलिक्यूल एल आस्पार्टेट की शक्ल में यहाँ पे एंटर होता था। सही। फिर बाद में वो यूरिया की शक्ल में रिलीज होता था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड NH2। सो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी हमारे पास नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन जो है वो यूरिया बनाते थे और इसके अंदर ये फिर सारा स्टेप्स होता था। कि सबसे पहले वो एल ऑर्थिनिन के अंदर सिट्रोलिन बनाता था, सिट्रोलिन से फिर वो आर्जिनो सक्सिनेट, फिर एल आर्जिनिन, ठीक है जी, एल आर्जिनिन से एल ऑर्निथिन बनाएगा एंड सो ऑन दिस कंटिन्यूज। और एल आर्जिनिन यानी लिवो आर्जिनिन के अंदर आर्जिनेज एक्ट करता था, ठीक है, एंजाइम जो कि यूरिया स्प्लिट आउट करता था। सही। तो ये यूरिया साइकिल था जो कि कहाँ पे होता है? लिवर में। सो क्या सिर्फ कह लें कि लिवर यूरिया बनाता है? नहीं, लिवर ने और भी चीजें बना रखी है। मसलन अगर फिशेज की बात करेंगे ना, फिशेज में हमें ये NH3 अमोनिया देगा। सही, फिश की कैटेगरी के अंदर। और अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो ये हमें यूरिक एसिड देगा, ठीक है, यूरिक एसिड का थोड़ा बड़ा फार्मूला है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और जबकि यूरिया किस केस में है, ठीक है, यूरिया टेरिस्ट्रियल एनिमल्स यानी मैमल्स की बात कर लें या वर्टिब्रेट्स की केस में, ठीक है, आप कहेंगे तो बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं और सो कह लें कि हायर या टेरिस्ट्रियल कह लें, टेरिस्ट्रियल, ठीक है, जिसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं और एम्फीबियंस आ जाते हैं, ठीक है, वो यूरिया के अंदर अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो ये तो कुछ था एक्सक्रीशन के मुताबिक उनका लिखना। इसके अलावा हम इसके कह लें कि और फंक्शंस पढ़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं होमियो स्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, फंक्शंस पढ़ेंगे हम लीवर के। सो लीवर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जो लीवर है इट इज मेटाबॉलिक हब ऑफ बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो ज्यादातर मेटाबॉलिज्म होगा वो लीवर के अंदर होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक्स में कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक के अंदर एक सेंसेस आ जाएगी, एक चीजों का बनना, जिसे हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। सेंसेस या दूसरा लफ्ज इसका क्या यूज होगा? एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब सेंसेस कौन कौन से होंगे? मसलन इसके अंदर एक चीज तो हमने अभी डिस्कस की थी, मसलन ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएगा, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएगा जिसके अंदर यूरिया था, यूरिया जो कि मैमल्स में होता है, फिर यूरिक एसिड है। सही। इसके अलावा इसमें और क्या हो जाएगा बोला? अमोनिया, ठीक है, जो थर्ड वन हो जाएगा। सही, नाइट्रोजनस वेस्ट की तो हमने भी बात कर ली। इसके अलावा ये सेकंड थिंग क्या बनाएगा? इसमें बनेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, यानी कह लें कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है ना, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि लाइक जब हम किसी ट्यूब में, मसलन यहाँ पे ट्यूब बनाता हूँ, लाइक दिस ट्यूब, इसके अंदर ब्लड लेते हैं, इसके अंदर ब्लड है, इसको थोड़ी देर अगर हम छोड़ दें, मसलन घंटे के लिए छोड़ दें, तो आपको फिर महसूस होगा कि कुछ लिक्विड का पोर्शन ऊपर रह जाता है लाइक दिस, और फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ठीक है।
जो पहला हिस्सा होगा इसे हम क्या कहेंगे प्लाज्मा, इसमें 99% वाटर होता है, इसके अलावा ब्लड प्रोटीन वगैरह होती है, से नीचे जो से हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं, सही। और ये सारा क्या था, ब्लड था, ठीक है। ब्लड को हमने आधे घंटे के लिए रखा ट्यूब के अंदर, घंटे के लिए, तो उसके अंदर से क्या होगा, प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, ब्लड नीचे आ जाएगा, सही, ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगे। सो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा जिन प्रोटीन से बना होता है वो भी कौन बनाता है, लेवर, ठीक है। इसमें अब बहुत सी प्रोटीन्स होते हैं, मसलन इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के अलावा इसके अंदर क्या आ जाएगा भला, और भी बहुत सी प्रोटीन्स होंगी, मसलन इंजाइम्स वगैरह होते हैं, लीवर के इंजाइम्स बहुत से होते हैं जो के बनते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी। इसके अलावा थर्ड वन ये बनाता है बाइल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, सो बाइल के अंदर क्या होते थे, साल्ट होते थे मोस्टली, ठीक है। और बाइल किस लिए यूज होता था भला, डाइजेशन ऑफ कह लें के, या इमल्सिफिकेशन का वर्ड यूज होता है, इमल्सिफिकेशन यानी झाग से बनाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। कहाँ होता है, इन इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ये जाता है, वहाँ पे इमल्सिफिकेशन करता है वो, फिर उसके बाद डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, सही। इसके अलावा बहुत से कह लें के ये स्टोरेज पार्ट भी होते हैं, इसके अंदर स्टोर्ड मटेरियल होता है इसके अंदर, मसलन स्टोर्ड में लिपिड्स। अच्छा, स्टोर से पहले एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये फैट्स वगैरह डेवलप भी करता है, ठीक है, लिपिड्स कोलेस्ट्रोल लिपोप्रोटीन्स भी बनाता है, लिपिड्स कोलेस्ट्रोल एंड लिपोप्रोटीन्स, से इसलिए इसका कुछ पार्ट्स जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से भी मिलके बनते हैं। अब ये जो लिपिड्स कोलेस्ट्रोल लिपोप्रोटीन्स ये खुद नहीं बनाता, बेसिकली ये ब्लड में आते हैं जिसकी अमाउंट को ये कंट्रोल करता है, सही। अगर याद हो तो आपको तो नहीं पता था, लेकिन यह है कि जब लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं ना इंटेस्टाइन में से, तो वो पास होते हैं उसमें से लीवर में से, तो लीवर के पास ऑप्शन होता है कि लिपिड्स की क्वांटिटी को आगे जाने दे या फिर उसे रोक ले, सही। सो यानी ये भी कह लेंगे सेंसेस के अंदर हम इसके डाल लेंगे, सही। और ये फिर प्लाज्मा लेवल होता है इनका लिपिड्स का, ठीक है, जिसे हम HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपिड्स। सो ये प्लाज्मा, इसमें फिर ब्लड केमिस्ट्री सारी आ जाती है, ठीक है, कि क्या क्या उसके अंदर कह लेंगे लिपिड्स का कितना पोर्शन है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स यूज़ कहाँ होते हैं, लिपिड्स का यूज़ काफ़ी जगह है, मसलन सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आपने सुना होगा, ठीक है, जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा, आपने पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में फंक्शन होगा। उसके बाद हम आते हैं इसकी स्टोरेज के ऊपर, सही। ये तो सेंसेस हो गए सारे, यानी सेंसेस को हमने किस में डाल दिया, एनाबॉलिज्म के अंदर। अब ये कुछ चीज़ें जो है ये स्टोर भी करेगा, स्टोरेज, स्टोरेज में सबसे पहले जो सी एग्जांपल है इसमें सबसे पहला पार्ट होगा वो है आयरन, ठीक है, यानी ये आयरन को स्टोर करता है, सही। अब यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन बेसिकली ये आयरन स्टोर करता है हीमोसिड्रिन की शक्ल के अंदर, ठीक है, यानी हीमोसिड्रिन, ठीक है, मुझे स्पेलिंग से याद नहीं है, सिड्रिन और फेरेटिन होता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स होता है जिसके कल में आयरन को स्टोर रखता है, सही। सो आयरन स्टोरेज में आ जाएगा हेल्प। और आयरन फिर किधर यूज होता है वाला, RBCs के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कह लें कि उसके अंदर यूज होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट इसमें ग्लाइकोजिन आ जाएगा, ग्लाइकोजिन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको, इट इज पॉलीमर ऑफ, किस चीज़ का पॉलीमर होता है वाला, ये ग्लूकोज, ठीक है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है ग्लूकोज, सही, जिसका फार्मूला C6H12O6 है, तो यही चेन्स की शक्ल में मिलते हैं, इस तरह नेक्स्ट ग्लूकोज आ जाएगा नेक्स्ट, सो हमारे पास ग्लाइकोजिन आ जाता है, सही। और ग्लाइकोजिन स्टोर्ड फूड है, यानी ये कह लें कि स्टोर की हुई फूड होती है, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है लीवर, और अगर कम हो तो ग्लाइकोजिन से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सही। उसके अंदर फिर हार्मोन्स होते हैं, सही, वो आपने शायद सुना भी हो, जिस तरह ग्लूकागोन और पेंसिलिन होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, सही। अब हम चलते हैं इसकी कन्वर्जन के ऊपर, कि स्टोरेज हो गया, इसके बाद इसके एक प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। सो कन्वर्जन वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बस कन्वर्जन, कन्वर्जन में ये होता है कि अगर ब्लड के अंदर मसल में एक बाउंड्री बनाता हूँ बीच में,
सो एक साइड पे ब्लड है और एक तरफ लीवर है, सही। सो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो ब्लड क्या करेगा, इसे लीवर में भेजेगा और वो इसे स्टोर करेगा किस शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में, सही। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो, यानी पहले लेवल इसका ज्यादा था ग्लूकोज का, और अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, सही, एरो डाउन यानी लेस कंसेंट्रेशन में, सो ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, सही। अब चलिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, मसलन जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन वर्क करती है, और जबकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो कन्वर्ट होगा ये ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन, ये हार्मोन्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के अंदर हेल्प करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है, हालांकि ये और भी बहुत सी कन्वर्जन करता है, सही। यानी प्रोटीन सेंसेस के तौर पर यूरिया साइकिल होता है, वो भी एक कन्वर्जन है, सही, कि वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया के अंदर, तो और भी काफ़ी चीज़ें। करियन से मिलता जुलता एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रीसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग। सो ये रीसाइक्लिंग भी करता है, सही। रीसाइक्लिंग से मुराद कि जो भी पुराना मटेरियल होता है उसको दोबारा ये रीजनरेट करता है, उसे दोबारा यूज के अंदर लेके आता है। इसकी एग्जांपल क्या, मसलन जो आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, दे कैन ओनली सर्वाइव फॉर 120 डेज, ठीक है, इनकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, सही। सो आफ्टर 120 डेज दे विल बी डेड। डेड में से ये आयरन को यानी Fe को निकाल लेता है, इसको रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल से मतलब जब न्यू आरबीसीज बनेंगे ना तो उसके अंदर ये आयरन को दोबारा डाल देता है। सो ये एक इसकी एग्जांपल है कि ये रिसाइकिलिंग के अंदर हेल्प करता है, खास तौर पर इसका क्या लेकर आयरन की रिसाइकिलिंग का इसका बहुत रोल है, जो कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, आरबीसीज के अंदर। सो ये हो गया इसकी रिसाइकिलिंग। सो और भी काफ़ी रिसाइकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी आयरन की एग्जांपल दी हुई जो कि ये करता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन पे आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन भी आप कहेंगे क्या होता है भला, टॉक्सिन, टॉक्सिन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ टॉक्सिन, सही। अगर आपको फर्स्ट ईयर थोड़ी बहुत याद हो तो आपने टॉक्सिन को इनहिबिटर्स भी कहा था, दीज आर इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स से मुराद यानी एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, सही। टॉक्सिन्स आर सब्सटेंसेस विच हैव एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी इनका बॉडी मेटाबॉलिज्म के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। व्हाई, बिकॉज दे इनहिबिट द एंजाइम्स, यानी जो काम एंजाइम्स कर रहे होते हैं या उनके साथ जाकर बाइंड कर देते हैं, उन्हें इनहिबिट कर देते हैं, सही। सो टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इनके इफेक्ट को कह लें कि मिनिमाइज किया जाता है, सही, डिटॉक्सिफिकेशन, सही। डिटॉक्सिफिकेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स बॉडी के अंदर, ड्रग्स से मतलब यानी मेडिसिंस हैं, मेडिसिंस भी डाल सकते हैं आप इसमें। सो मेडिसिन यूज करते हैं वो बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ पोर्शन बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, तो उसको ऐसा ऐसा डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इस तरह पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, और इसमें कह लेंगे कुछ नशा और ड्रग्स भी होते हैं, ड्रग्स से यहाँ पे आप क्या लेंगे भला, यानी नशावर, यानी जिनसे नशा होता हो, ठीक है, नशावर ड्रग्स, सो इनके भी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर ये हेल्प करता है, सही। सो एक किस्म का कह लें कि मेटाबॉलिकली इसके अंदर बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से हमने बात करी, मतलब अगर हम इनको लेवल करें, सबसे पहले तो हमने सेंसेस की क्या जी, ये सेंसिसाइज करेगा चीज़ें, ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बनाएगा, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा एल्ब्यूमिन्स होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन्स का नाम आपने सुना होगा, ग्लोबुलिन्स का शायद आप सुने ना, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स यही बनाता है, और फिर बाइल साल्ट बनाता है जो कि लिपिड्स के मेल्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो कि डाइजेशन के अंदर, ये डाइजेशन के पार्ट के अंदर आते हैं, डाइजेशन के एसेसरी ऑर्गन के अंदर हेल्प करता है, और फिर लिपिड्स, कोलेस्ट्रोल, लिपोप्रोटीन, यानी इससे ब्लड केमिस्ट्री ये कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड केमिस्ट्री, सही। और फिर हमने देखा ये कुछ कन्वर्जन करता है और स्टोरेज होती है, सॉरी सबसे पहले स्टोरेज, स्टोरेज में क्या था कि आयरन को स्टोर करता है, इसमें मैंने कहा कि हीमोसिड्रिन होती है प्रोटीन्स और फेरेटिन्स होती हैं, जो कि हमें पता है ये आयरन जो है ना वो आरबीसीज के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, सही। सो यानी आयरन को ये स्टोर रखता है, रिसाइकिलिंग भी करता है इसकी, सही। इसके अलावा ग्लाइकोजिन होता है जो कि स्टोर्ड फूड होती थी, स्टोर्ड फूड,
इसको स्टोर करेगा, देन कन्वर्जन कर रहा होता है ये, मसलन ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो ये, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे। सो ब्लड से ये ग्लूकोज को वापस लेके आएगा कौन, इंसुलिन इसमें काम कर रही होती है, ठीक है, और जिसमें इंसुलिन नहीं बनती ना वो डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। खैर इंसुलिन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सही, ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट प्रेजेंट इन द ब्लड, जबकि जो ग्लाइकोजन है ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, तो कन्वर्जन कर रहा होता है। इसके अलावा रिसाइकिलिंग होती है, मसलन आरबीसी की आरबीसी क्या है, आरबीसी में जो आयरन होता है ना, ठीक है, मेन क्या है कि जो सेंट्रल एटम है आयरन को ये रिसाइकिल करता रहता है, यानी 120 डेज के बाद आरबीसी डेड हो जाते हैं, सो उसको फिर ये रिसाइकिल करके दोबारा कह लेंगे। हीमोग्लोबिन जो होती है एक चीज, इसमें एक्चुअल जो प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन, सो ये हीमोग्लोबिन को बेसिकली बना रहा होता है। और फिर टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, और इस तरह हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। सही, इनकी ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एग्जांपल्स क्या है, ड्रग्स वगैरह है, पेस्टिसाइड्स हैं, और ड्रग्स जो नशावर होते हैं, ठीक है, इस तरह साइनाइड का नाम सुना होगा आपने, ये जहरीले होते हैं, सांप के अंदर होते हैं, ठीक है, तो ये सारे कह लें कि टॉक्सिन्स हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो अगेन किसके पास होता है, लेवर के पास होता है। सही, सो अब हम जरा वापस चलते हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, सिंपल एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने दो कैटेगरीज बना दी, इसके अंदर एक प्रिमिटिव टाइप होगी, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप से हमारा जो पुराने किस्म के हैं, और थोड़े से एडवांस हो गए थे। प्रिमिटिव टाइप के अंदर वही जो अर्थवर्म के अंदर मैटर नेफ्रिडियम पाया जाता है ना, उस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम था जो कि बॉडी के हर पार्ट में होता है, जबकि एडवांस के अंदर यूरिनरी सिस्टम डेवलप हो गया, जिसके अंदर किडनी है, यूरिटर, यूरिथ्रा और पेल्विस वगैरह, हम काफ़ी पार्ट इसके पढ़ेंगे। और इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हमने बात की, इसमें एक स्किन है, स्किन को बाज का एक्सक्लूड कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, क्यों, क्योंकि अगर ये स्वेट प्रोड्यूस करता है तो वो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, टेम्परेचर बैलेंस में, यानी गर्मी हो तब पसीना आता है। सीवम जो है बैक्टीरियोसाइटल है, यानी वो इम्यूनिटी के अंदर हेल्प कर रहा था, समटाइम्स इसे क्या किया जाता है कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, वो क्या लीवर है और किडनी। किडनी में भी फिर हमने देखा कि आगे सॉरी यूरिनरी सिस्टम है पूरा, जिसमें किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन बेसिकली वर्क करेंगे, और लीवर के बारे में हमने डिटेल पढ़ी कि नहीं, इसके सारे फंक्शंस पढ़े, हीमोस्टैटिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सही, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किडनी यानी नेफ्रॉन का फर्दर डिटेल्स या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने जो ज़्यादा फोकस किया वो किसके बारे में, लीवर के बारे में, जो कि मेटाबॉलिक हब है। Thank you.